चेतना का एक आयाम है जो समय के परे जा सकता है। यमराज उसका जीवन लेने आए। मार्कंडेय जो जीवन के तरीके जानता था, उसने बस एक सरल काम किया। कहते हैं कि वो 15 साल के बच्चे की तरह जीता रहा, क्योंकि वो चेतना के उस आयाम के संपर्क में आ गया जिसे हम काल भैरव कहते हैं। हम शिव को अलग अलग ऊर्जा रूपों की तरह जानते हैं। काल भैरव शिव का एक अनोखा रूप है जो समय के रूप में है। आप समय को मैनेज नहीं कर सकते क्योंकि वो अपनी गति से दौड़ रहा है। ऊर्जा को आप मैनेज कर सकते हैं, उससे खेल सकते हैं। समय अपनी गति से दौड़ रहा है, मगर चेतना का एक आयाम है Which can go beyond time. जो समय से परे जा सकता है। चेतना के उस आयाम को काल भैरव कहा जाता है। एक सुंदर पारंपरिक कहानी है। आप सभी जो भारत से हैं, कम से कम आपने जरूर मार्कंडेय के बारे में सुना होगा। ये कहानी कई तरह से सुनाई गई है, इसे समझने की जरूरत है। मार्कंडेय एक बच्चा था। जब वो पैदा हुआ या उसके पैदा होने से पहले ये चुनाव किया गया, मां बाप को चुनना था कि या तो वे एक मूर्ख पैदा करें जो 100 साल तक जिएगा, या प्रखर तेजस्वी प्राणी जो सिर्फ 16 साल जिएगा। मां बाप समझदार थे और उन्होंने दूसरा विकल्प चुना कि वे एक तेजस्वी बच्चे को पैदा करेंगे जिसमें जबरदस्त क्षमताएं होंगी। मगर जैसे जैसे दिन और साल बीते, वे क्योंकि वे एक्सपायरी डेट जानते थे। हर बच्चा जो आप पैदा करते हैं एक्सपायरी डेट के साथ आया है, बस आप एक्सपायरी डेट जानते नहीं, खुद की भी नहीं। मगर अब वे अपने बच्चे की एक्सपायरी डेट जानते थे, तो वे बहुत परेशान हो गए। जैसे जैसे तारीख करीब आने लगी और उन्होंने ये बात बच्चे को बता दी, क्योंकि बच्चा असाधारण बुद्धिमान और ज्ञानी था। और जब वो क्षण आया जब मृत्यु के देवता यम उसका जीवन लेने आए, मार्कंडेय जो जीवन के तरीके जानता था, उसने बस एक सरल काम किया। शिव का एक रूप था, एक लिंग के आकार में, एक ऊर्जा रूप, जिसकी खास तौर पर काल भैरव के रूप में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। उसने बस लिंग को पकड़ लिया। जैसे ही उसने लिंग को पकड़ा, समय रुक गया और मृत्यु उस तक नहीं पहुंच पाई और उसे वहीं पकड़ लिया। फिर चेतना का वो आयाम उसके अंदर खुल गया। Where he was not available for time anymore. जहां वो अब समय के लिए उपलब्ध नहीं था। कहते हैं कि वो 15 साल के बच्चे की तरह जीता रहा, कभी 16 का नहीं हुआ, क्योंकि वो चेतना के उस आयाम के संपर्क में आ गया जिसे हम काल भैरव कहते हैं। काल का अर्थ है समय। काल का अर्थ शून्य भी होता है। एक स्तर पर काल का अर्थ चक्र होता है, दूसरे स्तर पर काल का अर्थ चक्रों से परे भी होता है। तो इन चीजों को सूक्ष्म रूप में काल, काल भैरव, महाकाल के रूप में समझा जाता है। ये सब अनुभव के अलग अलग आयामों में एक ही चीज की बात करते हैं। अभी समय का हमारा अनुभव सिर्फ प्रकृति के चक्रों के कारण है। जो चीज चक्रों में है हम उसे माप सकते हैं, वो कितनी बार घूमा, उससे हम समय का अंदाजा लगाते हैं। और काल भैरव बस उसका एक प्रतीक बनना है ताकि हम उन तक पहुंच सकें, एक ऊर्जा स्थान बनाते हुए जहां हम उस आयाम तक पहुंच सकें। मेरे ख्याल से तमिल में ये शब्द जैसे इस्तेमाल किया जाता है वो बहुत सही है। जब कोई मरता है वो कहते हैं कालम आइटंगा, मतलब उसका समय खत्म हो गया। ये बहुत सरल और सटीक है। बस यही हुआ, समय खत्म हो गया। वे समझते नहीं कि हम समय के खिलौने की तरह हैं।
बस चल रहे हैं, जब बैटरी खत्म हो जाती है फूक। बस अधिकांश लोग समझते नहीं कि समय खत्म हो रहा है। उन्हें लगता है कि वे हमेशा के लिए रहेंगे। नहीं, हम समय के खिलौने हैं। समय अभी हमारे साथ खेल रहा है और वो खत्म हो रहा है। आप कुछ करते हैं वो खत्म हो जाता है, आप कुछ नहीं करते तब भी वो खत्म हो जाता है। आप ज्वालामुखी की तरह तीव्रता से जलिए वो खत्म होगा, आप मंद रहिए वो खत्म होगा, चाहे आप जो भी कर लें वो खत्म हो रहा है। तो आप बस समय के खिलौने हैं। तो काल भैरव उस आयाम तक पहुंचना है ताकि आप समय के स्वामी बन जाएं। अगर आप समय के स्वामी बन जाते हैं, इसका अर्थ है कि आप जीवन और जीवन प्रक्रिया के भी स्वामी बन गए, क्योंकि सारी जीवन की प्रक्रिया समय में निहित है।